बढ़ाई जाती है, जिसके लिए पूरा फायर सर्विस है, पूरे उपकरण के चेक करा लिए गए हैं, सारे कमरबंदी हालत में हैं। छुट्टियां बहुत आवश्यकता अनुसार ही दी जा रही हैं, 100% उपस्थिति बनाई रखी जा रही है। और हम लोग जितने दुकानदार हैं उनसे भी जा जा के अपील कर रहे हैं कि जो मानक के अनुसार पटाखे हैं वही बेचें, और जो ज़्यादा डेसिबल के, ज़्यादा आवाज़ के पटाखे हैं, बम हैं, या जो पटाखे छोड़ा जाते हैं, ऐसे पटाखों का प्रयोग वर्जित है। इनका विक्रय आप द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, और दिया सलाई माचिस बेचने वालों के पास, खरीदारों के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी आतिशबाजी का दुकान स्थल पर उसको चलाकर डेमो दिखाना प्रतिबंधित है। और बिजली की प्रॉपर टेपिंग हो, दुकानें जो मानक हैं उतनी उतनी दूरी पर लगाई जाएं, सभी दुकानों के पास 200 लीटर ड्रम खुले मुंह के हों, पानी भरे हों, और उसमें बड़े साइज के मग्गे रखे हों। दो लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी दीपावली काफी दूर है, तो अभी पहले से पटाखे ला के घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी कल एक घटना देखी है भावना स्टेट में, वहाँ पे आतिशबाजी खरीद के ला के अपने कमरे में रख दिए थे, और जो उनके पिताजी थे वो बाहर अपने व्यापार में थे और माता जी दूसरे कमरे में थे, तो बच्चों ने उसमें से निकाल के आतिशबाजी का उसका ट्रायल लिया, जिसमें पूरे आतिशबाजी में आग फैल गई और कमरे के अंदर आतिशबाजी चलने लगी बहुत धमाकों के साथ, और पूरा अफरा तफरी मच गया। फायर सर्विस बड़ी तत्परता के साथ, 3 गाड़ी के साथ पहुंची, मैं भी मौके पर पहुंचा, और सबको, पूरा अपार्टमेंट को सुरक्षित बचा लिया गया, सीमित रखा गया। तो इसलिए हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी बहुत पहले से खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, और खरीद के भी कमरे में न रखिए, खुले स्थान पर रखिए जहाँ पे बिजली कनेक्शन साफ सर्किट होने की संभावना न हो, ज्वलनशील चीज न हो। और दीपावली पर्व अभी काफी है, तो अभी बहुत घरों में पहले से खरीद करके भंडारण